हरियाणा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण एवं सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा है और काफी अहम कदम भी उठाए हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी भी लगभग 130 नए स्कूल देने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब कमान संभाली तो मैं सोचती हूँ हरियाणा पूरे भारत में एक मिसाल बना। सबसे पहले तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी प्रदेशों को कहा लागू करने के लिए, और बहुत सारे प्रदेश के लोगों ने अपने अफसरान को इसको स्टडी करने भी भेजा। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हरियाणा में पीएम श्री स्कूलों की भी संख्या निरंतर बढ़ रही है। शिक्षा को और अधिक नए आयाम देने के लिए हम लोगों ने संस्कृति मॉडल स्कूल दिए, जो कि सीबीएसई के बेस पर काम करते हैं, और इसके साथ हरियाणा बोर्ड भी साथ साथ है। और नई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 2014 से पहले भी था, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी दिया था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत सारे स्कूलों का बदलाव किया। और अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगभग 130 स्कूल हरियाणा को नए देने जा रहे हैं। वही मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि चुनाव और शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, उन्हें शिक्षा के बारे में जानकारी लेने की जरूरत है। जो बुरी बात है, मैं समझती हूँ चुनाव और शिक्षा का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो निरंतर, जैसे हिमालय से गंगा बहती है और वो कहीं रुकती नहीं है, शिक्षा तो लगातार चलती रहनी चाहिए। और जो शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनको शिक्षा के बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता। वही शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को लेकर राजनीति नहीं करती, वो केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम कर रही है। चाहे मनोहर लाल की सरकार हो या फिर अब नायब सैनी की सरकार, सरकार स्कूलों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।